शाहदरा जिला की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने लोनी रोड स्थित राठी मिल के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर टाटा एएस गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। डीसीपी ने यह भी बताया है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को शुक्रवार को सूचना मिली थी कि एक शराब तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर टाटा एएस गाड़ी से लोनी रोड स्थित सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विश्वेंद्र, एएसआई लोकेंद्र, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल रविंद्र, शक्ति, जितेंद्र, देवेंद्र और कांस्टेबल विकास की टीम का गठन किया गया। इस टीम ने राठी मिल के पास ट्रैप लगाकर टाटा एएस गाड़ी को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसमें से 80 पेटी में रखा 4000 क्वार्टर शराब बरामद हुआ है। इसके बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया है कि वह हरियाणा से शराब लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसे सप्लाई करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि उसके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हाँ, इसमें हमारी टीम को 11 तारीख को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमारे एसीपी गुरुदेव इनके नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विश्वेंद्र ने रेड करी और एक अक्यूज को नैब किया। उसका नाम है नीरज। नीरज से हमने 80 पेटी दारू जो कि 4000 क्वार्टर दारू से रिकवर करी। नीरज उत्तराखंड का रहने वाला है और जब हमने इसे इंट्रोगेट ये छोटा हाथी में गाड़ी में ये दारू लेके आ रहे थे तो इंट्रोगेट करने में हमें इसे पता चला ये दिल्ली में कई जगह दारू की सप्लाई करते हैं और ये हरियाणा से दारू लेके आते हैं। सर, लगातार जिस तरह से शाहदरा जिला इस तरह की कार्रवाई करे जा रहा है तो क्या लगता है कि पूरा जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए क्या कोई और भी मुहिम चलाने वाले हैं? हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट अभी पिछले दिनों में हमने काफ़ी सख्ती से इसमें एक्शन लिया है। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जो इलिसिट एक्टिविटी अगर कुछ नज़र में आती है तो हमसे शेयर करें ताकि हम उस पर तुरंत एक्ट करके एक्शन ले सकें। हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।